हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, SI, राजस्थान पुलिस, जितने होंगे, जिसमें राजस्थान जी के आएगी, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। और जो शॉर्ट क्वेश्चनों में मैंने नदियों के क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं दोस्तों, उसमें आपको नदियों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आप उनको भी पूरा देखें और आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ट्रिकों के माध्यम से कैसे याद किया जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि बकरियों की जो नस्लें हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा मैं आपको दोस्तों। तो बकरियों के बारे में बताऊंगा आपको कि बकरी वंश के बारे में, कि बकरी वंश राजस्थान में कैसा है, कैसी हालात है बकरियों के, उन सभी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बकरी के बारे में बताऊँ तो नॉर्मल ध्यान रखना कि बकरी राजस्थान में प्रथम स्थान रखती है, वंश की दृष्टि से सबसे पहला स्थान रखती है बकरी, पहला स्थान रखती है राजस्थान में बकरी। और सर्वाधिक बकरियाँ दोस्तों कहाँ पे हैं, तो वो है दोस्तों सर्वाधिक बकरियाँ बाड़मेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में। ये आए हुए क्वेश्चन है, ये सब जो मैं बताऊंगा आपको इनको ज़रूर देख ले दोस्तों। और न्यूनतम बकरियाँ कहाँ पे पड़ती है? न्यूनतम बकरियाँ पड़ती है धौलपुर में। कहाँ पड़ती है? धौलपुर में। ये भी चीज़ें याद रखना है। और इसके जो बकरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे पड़ता है? तो वो दोस्तों अविकार नगर मालपुरा टोंक में पड़ता है, उसको याद रख लेना। ये 1989 में स्थापित हुई थी दोस्तों। और जो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पे है? वो दोस्तों रामसर में है, रामसर अजमेर में। रामसर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ये इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना इसको। और एक जो बकरियाँ पूरे देश में विश्व प्रसिद्ध है वो कहाँ की बकरियाँ हैं दोस्तों? वो नागौर की बकरियाँ हैं। कहाँ की बकरियाँ हैं? नागौर की। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा, वो सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आए हुए क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूँ आपको। और इसको दोस्तों गरीब की गाय भी बोलते हैं और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी बोलते हैं दोस्तों इसको। और एक चीज़ और है कि जो बकरी का मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? चेवण। अब मैं जैसे बकरियों के बारे में बताऊंगा आपको, बकरियों के बारे में बताता जाऊंगा, तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक क्या होगी इसकी। बहुत आसान सी ट्रिक है, आपको दो ट्रिकें बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे वो देख लेना दोस्तों। इसकी एक ट्रिक तो है दोस्तों, लव बार बार पर्वत से सिर मार लो जन्म लेगा। कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लव, उसे बोल रहा है कि अगर तू बार बार पर्वत से सिर टकराएगा तो क्या होगा? लो निकलेगा। इसी माध्यम से ट्रिक बनी हुई है कि लव बार बार पर्वत से सिर मार लोह जन्म लेगा। क्या होगा कि अगर पर्वत से बार बार सिर टकराओगे तो लोह निकलेगा। तो ये ट्रिक हो गई उसकी कि लव बार बार पर्वत से सिर मार लोह जन्म लेगा। अब इससे हम एक एक चीज़ देखते हैं। लव आते ही हमारे बकरी का नाम भी देंगे कि अलवरी। तो अलवरी बकरी, अलवरी के लव लिखा हुआ है बीच में, तो इससे याद हो जाएगा कि अलवरी बकरी की नस्ल है। ठीक है, बार बार से याद रखना दोस्तों बर्बरी। क्या याद रखोगे? बार बार से बर्बरी। पर्वत से याद रखना दोस्तों पर्वतसरी। क्या याद रखोगे? पर्वत से पर्वतसरी। से याद रखना शेखावाटी। सिर से याद रखना सिरोही। आसान है। मार से याद रखना दोस्तों मारवाड़ी। लो से याद रखना लोही। जन्म से याद रखना जमुनापारी। ये हो गई आसान ट्रिक और बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों। और एक और ट्रिक बताऊंगा आपको, वो भी देख लो कि उसे कैसे याद रखते हैं, वो भी एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, ये भी आसानी से याद हो जाएगी। फिर आपको बकरियों के बारे में बताऊंगा कि बकरियों की कौन सी नस्ल कहाँ सर्वाधिक फेमस है उसके बारे में। तो पहले ट्रिक के बारे में देख लेते हैं कि अजब सी मार बकरी के सेलों पर। ये भी एक इसी की ट्रिक है कि अजब सी मार बकरी के सेलों पर। तो अजब से ऐसे याद रख लेना दोस्तों, ये छोटे हैं इसलिए मैंने उसको बड़ा करके उस ट्रिक को बड़ी की है। तो ऐसे याद रखना दोस्तों अलवरी। ठीक है, जैसे जमुनापारी, वैसे बर्बरी, सी से सिरोही, और ये बकरी की नस्लें हैं, ये भी इसी में याद हो जाएगी। से याद रखना शेखावाटी, लो से लोही, और पर्वत से पर्वतसरी, पर से पर्वतसरी। तो ये कई बार क्या है कि जो ट्रिकें बनाते हैं तो उसमें ए रिपीट हो जाता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने उस ट्रिक को ज़्यादा महत्व दिया है कि वो ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। तो ये ट्रिक देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब मैं बकरियों के बारे में बताता हूँ आपको कि सबसे पहले अलवरी बकरी के बारे में बता रहा हूँ कि अलवरी बकरी में क्या चीज़ फेमस है। तो अलवरी बकरी का दूसरा नाम
दोस्तों जकराना भी है। क्या है? जकराना, जखराना। इसके बारे में बताता हूँ मैं कि इसकी मूल उत्पत्ति स्थल तो जैसे अलवर से याद रख लेना कि अलवर की है, ठीक है। अलवर में ये जकराना स्थान पड़ता है, वहाँ की नस्ल है, ठीक है। और इसकी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्वाधिक दूध देने वाली ये बकरी है। कौन सी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है दोस्तों? ये कम से कम शायद 6 से 7 लीटर के बीच में देती है, 6 से 7 लीटर है इसका दूध, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बर्बरी के बारे में कि बर्बरी नस्ल जो है उसके बारे में क्या है। तो दोस्तों ये देखी जाए, बर्बरी नाम बर्बरी है वैसे तो, लेकिन इसकी जो बारे में बताता हूँ, ये सर्वाधिक सुंदर बकरी है। कैसी बकरी है? सर्वाधिक सुंदर बकरी है दोस्तों। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता भी इसकी पाई जाती है, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता। पर्वतसरी के बारे में बताता हूँ कि पर्वतसरी बकरी क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पर्वतसरी के बारे में बताऊँ आपको कि पर्वतसरी जो हरियाणा की बीटल नस्ल है बकरी की, बीटल और राजस्थान की जो सिरोही नस्ल है ये वाली, ये दोनों से मिलकर बनाई हुई नस्ल है दोस्तों पर्वतसरी, ठीक है। ये भी ज़रूरी है इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ। और शेखावाटी के बारे में, ये दोस्तों एक सींग, इसमें एक मात्र बिना सींग वाली बकरी है, इसमें बिल्कुल सींग नहीं होता इसमें, तो ये बिना सींग वाली बकरी है दोस्तों। इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नस्ल है, इसको तो याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाम ज़रूर याद रखना। कई बार दे देते हैं कि शेखावाटी किस की नस्ल है, तो बकरी की है, भैंस की है, भेड़ की है, ये बात इसलिए मैंने आपको बताई है, ओके। और मारवाड़ी के बारे में बताता हूँ कि मारवाड़ी नस्ल जो है उसके बारे में, कि मारवाड़ी नस्ल में क्या इंपॉर्टेंट है। तो मारवाड़ी नस्ल, इसी बकरी की नस्ल पाई जाती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा। ये जो मारवाड़ी नस्ल है, ये सबसे ज़्यादा बकरी की नस्ल इसी की है राजस्थान में, ठीक है। और ये सबसे पुरानी नस्ल है, ये ज़्यादातर मांस के रूप में काम में आती है, मांस हेतु प्रसिद्ध ज़्यादा ये, ठीक है। और लोह के बारे में बात करता हूँ, लोही नदी के बारे में बताऊँ आपको कि ये सर्वाधिक मांस देने वाली प्रसिद्ध नस्ल है, सबसे ज़्यादा मांस इसी बकरी का होता है दोस्तों, ठीक है। हो गई कंप्लीट, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में ऐसे याद रख लेना कि जमुनापारी ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आती है, हाड़ौती क्षेत्र में। तो दोस्तों ये हो गई, मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको पूरी बकरियों के बारे में बता दिया हूँ, पूरे बकरियों के बारे में नॉलेज मिल गई है। तो दोस्तों इसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो उनमें नस्लें तो ज़रूर देंगे, ये तो गारंटी है। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के पहले भी देख लीजिए, नस्लों के बारे में ज़रूर पूछते हैं, तो आपको ये बहुत काम में आएगी। इनको उतार लेना, लिख लेना, फिर आपको याद भी करना पड़ेगा इनको 2-3 बार। इन ट्रिकों को तो 10 बार देख लो, 10 से 15 बार, जिससे आपको ये फिट बैठ जाएंगे दिमाग में। और ये क्वेश्चन जो है जो लिख लेना कॉपी में दोस्तों, जिसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो पहले वाले भी ज़रूर देख लें, उनमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।